सफाई कर्मचारी और एडीओ पंचायत के बीच मारपीट में गिरफ्तार सफाई कर्मचारी की रिहाई की मांग को लेकर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने विकास भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और आरोपी सफाई कर्मी की रिहाई की मांग की, जिसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना था कि सफाई कर्मी निर्दोष है, उसे तत्काल रिहा किया जाए तथा मामले की पूरी जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने बताया। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी, यहाँ पर उरवा के सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री कृष्णचंद्र शर्मा जी द्वारा एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह को गलत ढंग से फंसाकर 307 पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके 307 पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। सिर्फ हमें यह कहना है प्रशासन से, जो कि संविधान में अधिकार भी है, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप आरोप सिद्ध करने के बाद जेल डालिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह पूरी टीम के साथ, एक अगर जाँच सिद्ध हो जाती है तो उसको जेल नहीं आप फांसी डाल दो। लेकिन हम कह रहे हैं, हम यहाँ के एसपी साहब, एसएसपी साहब और डीएम साहब से कह रहे हैं कि मुझको डीपीआरओ साहब ने फला एडीओ पंचायत ने मारा है तो क्या उनके ऊपर 307 लगा दिया जाएगा? अगर उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया सही ढंग से की जाए, ऐसे नहीं होता। एक कर्मचारी नीमावली में ऐसे नहीं आता। हम गारंटी लेते हैं, हम अपने पैड पर लिख कर देते हैं कि पूछताछ के लिए, जाँच के लिए उसको जब भी बुलाया जाएगा आदित्य सिंह आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब तक आदित्य सिंह के ऊपर कोई दोष न सिद्ध हो जाता है तब से उसके ऊपर से धारा हटा करके जेल से उसको छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाता तभी यह पूरा रैला, एसएसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, अभी हम भी कपड़ा उतारना जानते हैं, अभी हम भी अपना कपड़ा फाड़ करके बता दें कि हमको डीएम ने मारा, हमको सीडीएम ने मारा, तो क्या मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? हमें चलवा ले, हम सुनियोजित ढंग से अपने 3 लोगों को बुला करके अपना कुर्ता फड़वा ले, हम कुर्ता फड़वा ले, सर फड़वा ले, तो हमारे पता नहीं है, हमको नाटकीय ढंग से करवा लो तो 307 का मुकदमा लगा दिया जाएगा। किसी की साथ जिंदगी को बर्बाद करने का हक नहीं है।